So welcome back to another new episode of Aman Sharma, and in today's episode we'll be discussing about those three important things which I think is the most important for excelling in anatomy. क्योंकि यार ये जो तीन चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, अगर आपने ये चीज़ें अपने स्टडिंग मैनर में, अपने स्टडी मेथड्स में ये चीज़ें आपने इंटीग्रेट कर ली ना, सो एनाटमी में आपके बोल सकते हैं 100 मार्क्स में 100 मार्क्स या फिर एनाटमी में आपको एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो तीन चीज़ें हैं बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे रिसर्चेस में पाया गया ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे माइंड के लिए भी। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, और चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड इज द फैक्ट दैट एनाटमी इज नेवर द सब्जेक्ट विच कंटेन्स टेबल्स एंड चार्ट्स एंड फैक्ट्स ओनली। इस चीज़ का क्या मतलब है यार, देखो लेट्स जस्ट सपोज अभी आप लोग का मसल चल रहा होगा, आपने मसल्स तो पढ़ी होगी। ठीक, सो मसल्स में क्या होता है, हम लोग कैसे याद करते हैं यार, जनरली मैं जैसे शुरुआत में याद करता था वो चीज़ बताता हूँ कि मैंने जैसे बैक मसल्स स्टार्ट किए, बैक मसल्स स्टार्ट किए तो सुपरफिशियल मसल्स ये होगी, मैंने एक चार्ट बना रखा था सुपरफिशियल मसल के ये होंगे, डीप मसल्स ये होंगे, इंटरमीडिएट मसल्स ये सारी चीज़ें होंगी, और उनका एक फैक्ट बना रखा था, इनका एक चार्ट बना रखा था। ठीक है, और रोज़ सुबह शाम मैं वो चीज़ देखता था, बट अल्टीमेटली आई रियलाइज कि यार उससे मैं एक एग्ज़ाम या दो एग्ज़ाम के लिए याद कर सकता हूँ, बट लॉन्ग टर्म में मुझे वो चीज़ें याद नहीं रहने वाली, क्योंकि जैसे ही वो एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद मेरे दिमाग से वो सारी चीज़ें आउट हो जाएंगी और मुझे वो कुछ याद नहीं रहने वाला। लेट्स जस्ट सपोज तुमने कोई अपनी चलो यूनिवर्सिटी की बुक खोली है, यूनिवर्सिटी की बुक में तुमने कुछ इस तरह के नोट्स बना लिए। ठीक है, सिंपल कॉपी पेन में जो वहाँ पे पॉइंट्स लिखे वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, और वो रोज़ सुबह शाम उसको रिविजन करें, क्योंकि रिविजन करने से हमको बोला गया है कि याद होता है, बट एनाटॉमी इज नॉट दैट सब्जेक्ट की वो चीज़ें जो तुम्हें हेल्प करेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें क्लियर कर लो कि एनाटॉमी में ऐसा नहीं करना है कि हमको रिविजन करते रहना है, कि जो चीज़ें हमने नोट्स बना रखी उसको रिवाइज करते जाना है, उसको नहीं करना। करना क्या है फिर, वो है हमारा सेकेंड पॉइंट। सो अब जो है, जो कि हमारा दिमाग से वो नोट्स बनाने वाला और रिवाइज करने वाला टॉपिक और वो वाली चीज़ें जो हट चुकी है हमारे दिमाग से, अब हम लोग आते हैं असली बात पे कि एनाटॉमी को पढ़ें कैसे, बोन्स है सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ याद कैसे रखें, उस चीज़ के लिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सो द सेकेंड कॉन्सेप्ट विच आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड विद द फैक्ट इज द अमाउंट ऑफ फन एंड इंटरेस्टिंग थिंग विच यू कुड ब्रिंग आउट वाइल अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक इन एनाटॉमी और आई शुड से एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स इन मेडिसिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू वुड रिमेंबर दैट थिंग इन द लॉन्ग टर्म व्हेन यू वुड सी। तो इस चीज़ का क्या मतलब है यार, कि जितना भी तुम किसी कॉन्सेप्ट को समझने के वक्त उसको जितना इंटरेस्टिंग, जितनी फन चीज़ें, जितना फन एलिमेंट उस कॉन्सेप्ट में ऐड कर सकते हो, वो उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक के तुम उस चीज़ को याद रखोगे, उतने ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक के उस चीज़ को अपने मेमोरी पावर पे रिटेन कर पाओगे। लेट्स जस्ट सपोज, अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा तो लेट्स जस्ट सपोज एक चीज़ याद करते हैं कि हमारे कोई भी स्कूल वाले फेज में हमने बहुत सारी मस्तियाँ करी हैं, एंड कोई ना कोई बहुत सारी ऐसी मस्ती वाला जो एक मोमेंट रहता है वो सारी चीज़ें हमें याद है, इवन दो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, इवन दो हम उसको याद नहीं करना चाहते, बट अननोइंगली हमें वो चीज़ें याद है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उस चीज़ में हमारा कहीं ना कहीं फन एलिमेंट जुड़ा हुआ था, उस मोमेंट के साथ में कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस वाला मोमेंट जुड़ा हुआ था, तो दैट्स द रीज़न वाई यू रिमेंबर दैट मोमेंट, एंड दैट्स द रीज़न वाई यू रिमेंबर ऑल दोज इंस्टेंसेज ऑफ दैट मोमेंट। सो वही चीज़ें हम लोग को अपने पढ़ाई में लानी है, वही चीज़ें हमको अपनी एनाटॉमी में कॉन्सेप्ट समझते हुए लानी है। सो आओ यार ये इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, इस चीज़ को हम लोग फन और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। देखो यार ये चीज़ें बहुत डिफर करती, जैसे कि बहुत सारे मैं आप लोग को आइडिया देता हूँ कि या तो आप लोग डायग्राम्स बहुत सारा बना सकते हो। ठीक है, अब सपोज कि स्टमक की आर्टेरियल सप्लाई पड़ रहा है, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करता था, मैं नोट्स ये नहीं बनाता था कि स्टमक का आर्टेरियल सप्लाई फिर ये आर्टरी करेगी, इसका ये ब्रांच करेगा, सो दैट इज़ हाउ मैं वैसे नोट्स नहीं बनाता था। मैं कैसे बनाता था, ठीक है, ये हमने स्टमक बना दिया, ठीक है, ये हमने स्टमक बना दिया, और उसके साथ साथ हमें अपनी आर्टरी बतानी है, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच और मतलब एब्डोमिनल आर्टरी जा रही है, ठीक है, ये पीछे से एक आर्टरी जाती है, ठीक है, यहाँ पे एक सप्लाई करेगी, 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 और यहाँ नीचे से और एक आर्टरी आएगी, ठीक है। तो ऐसे मुझे याद है कि पाँच जगह में सप्लाई, मतलब पाँच जगह में
सप्लाई करती थी, ठीक है। अब नाम कैसे याद है, मुझे याद था कि ग्रेटर कर्वेचर में जितनी भी होगी वो सारे जो होंगे एपिगेस्ट्रिक वाली होगी, मतलब राइट एंड लेफ्ट एपिगेस्ट्रिक आर्टरी इधर वाले में होंगे, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इधर होंगे, हिपेटो ड्यूओडेनल इधर होंगे पैनक्रियाटो ड्यूओडेनल हिपेटो ड्यूओडेनल, ठीक है, और इधर ऊपर में शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सो दैट इज हाउ आई अंडरस्टैंड, दैट इज हाउ आई रिमेंबर ऑल द थिंग्स, क्योंकि अब देखो मैंने ये एक डायग्राम बना लिया तो मुझे सारी चीज़ें याद है कि हाँ स्टमक का एक बोलते हैं ना कि इमेज याद आ जाता है, हाँ स्टमक में चार जगह आर्टरी रहेंगी, इधर 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 एक दो, इधर एक दो, नीचे दो, ऐसे। तो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड, दैट इज हाउ यू ऐड दैट फन एलिमेंट इन एनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि स्प्लैंकनोलॉजी में, यार स्प्लैंकनोलॉजी में ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है एंड इसी चीज़ में आप लोग को एप्लीकेशन करना है। स्प्लैंकनोलॉजी में जब आप ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें होंगी आपको जानने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी याद करने के लिए, सो वो सारी जगहों में आप लोग को अपना फन एलिमेंट डालना है, ठीक है। अब ये मैंने बताया आपको डायग्राम के जैसे। एक और चीज़ आप लोग कर सकते हो जो चीज़ हम लोग बहुत करते थे कि कहीं पे भी हम लोग दोस्त यार बैठे हैं, यार इसका चीज़ ये बता, ठीक है, तुझे नहीं पता, हम मैं बताता हूँ। सो दैट काइंड ऑफ डिस्कशन, कई के बार सात दोस्त बैठे हैं तो वो डिस्कशन वाला भी पार्ट रहता था ना, वो भी हमें याद रहता था क्योंकि हाँ यार उसको वो चीज़ नहीं पता थी, मैंने उसको ये बताई, तो वो चीज़ याद आ जाती है। तो उस तरह से आपको एक फन एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो एनाटॉमी में, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दिस कि आपने सिर्फ लिख लिया या फिर सिर्फ पढ़ लिया तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, लॉन्ग टर्म में आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द फैक्ट दैट ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं कि एनाटॉमी में जब भी हम लोग यूक्रेन में पढ़ रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एकदम ऐसा घुस के पढ़ते हैं एनाटॉमी में, कि एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ स्केलेटन सिस्टम देखेंगे, फिर मसल्स देखेंगे, फिर स्प्लैंकनो देखेंगे, उसके बाद फिर नर्वस सिस्टम देखेंगे। तो उससे ये चीज़ होती है ना कि हर एक जैसे ही हम लोग ऑस्टियोलॉजी को कंप्लीट करके हम लोग मसल्स में पहुंचते हैं तो ऑस्टियोलॉजी वाला पार्ट बोलने लगते हैं, फिर मसल्स को पहुंच के हम लोग स्प्लैंकनो स्टार्ट करते हैं तो मसल्स वाला पार्ट बोलने लगते हैं। सो उस चीज़ के लिए तुमको हमेशा एक वाइड पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा, कैसे कि ऐसे सोचो कि हमारा बॉडी है, ठीक है, हमारे बॉडी में थोरेक्स पार्ट, लेट्स जस्ट सपोज आज मैं थोरेक्स पढ़ेंगे। सो थोरेक्स में क्या है कि सुपरफिशियल गए तो सुपरफिशियल मसल्स क्या हो गए, सेरेटस एंटीरियस मसल हो गए, और उसके अंदर गए तो इंटरकोस्टल मसल आ गए। इंटरकोस्टल कौन से मसल्स हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ऐसे कुछ इस तरह याद करेंगे, अंदर और जाएंगे तो प्लूरल लेयर्स आएंगे, प्लूरल लेयर्स कैसे कैसे डिवाइडेड है, दो चीजों में डिवाइडेड है, अंदर हार्ट है, क्या है, पेरिकार्डियल सैक है, वो सारी चीजें कैसी है, क्या सिचुएटेड है, कौन पहले कौन ऊपर है, कौन ट्रैक या पीछे है, या फिर ईसोफेगस आगे, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें यार जब तक तुम अपने दिमाग में खुद ही खुद सोचते नहीं रहोगे और ये सारी चीजें बार बार रिवाइज नहीं करते रहोगे, रिवाइज इन द सेंस, अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नोट्स उठा के अपना पढ़ लो, ये चीज़ नहीं होगी, और ये चीज़ें तो तुम्हें याद भी नहीं होगा। ये तुमने अभी तक के मेरे हिसाब से अगर नोटिस करा होगा तो ये चीज़ें देखा होगा कि यार सिर्फ नोट्स पढ़ के तुम्हें एनाटॉमी याद नहीं होने वाली, तो ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग विच यू कैन डू विद दैट फन एलिमेंट इन योर स्टडिंग प्रोसेस इज द फैक्ट दैट कि हर समय मैंने जैसे कि आप लोग को एनाटॉमी के एप्स बता रखे हैं तो वो चीज़ें यूज़ करो, और उसके अलावा किसी भी चीज़ें की रैंडम, ठीक है, आज तुम्हारा जैसे मन कर रहा है कि लंग्स, तो लंग्स की फ़ोटो देखो, इंटरनेट पे जाओ और लंग्स टाइप करो, रेस्पिरेटरी सिस्टम टाइप करो, और उसके आर्टरीज, नर्व सप्लाई, उसके ऊपर में बोन्स कौन से मसल कवर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखो, एंड बस जस्ट पिक्चर देखना है तुम्हें जाके, सारे चीज़ें नाम पढ़ने, दैट्स ऑल वॉट यू हैव टू डू। इसके बाद ये चीज़ें होंगी कि उस समय तुम्हें याद नहीं, बट हाँ इवेंचुअली विद टाइम यू वुड स्टार्ट डेवलपिंग ऑल द थिंग्स, और देखोगे तुम लोग एंड में या फिर 1 साल 2 साल होने के बाद में जब तुम्हारी एनेटमी खत्म होने की होगी तो तब तुम देखोगे कि तुम्हें सारी चीज़ें याद है, इवन तो बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें अब याद है और बहुत कॉमन लगती, तो वैसे ही है यार। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू प्रोग्रेस, और ऐसे ही इवेंचुअली तुम लोग देखोगे कि एनेटमी तुम्हारे को याद हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सो दोज आर द थ्री थिंग्स विच कुड रियली हेल्प यू इन एक्सेलिंग इन एनेटमी एंड दैट कुड रियली हेल्प यू इन द मेड स्कूल। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ तो नहीं करोगे तुम लोग, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो यार, एंगेजमेंट बढ़ाओ, लाइक करके जाओ, और वीडियो में क्या कमी लगी या फिर कुछ अच्छी चीज़ लगी तो बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स नीचे है, कमेंट बॉक्स पे बताओ। और बहुत सारी मैं रैंडम बोल सकते हैं पोल्स भी क्रिएट करता रहता हूँ चैनल पे, तो जाओ वहाँ पे भी अपने व्यूज दीजिए, और दैट्स ऑल विद दैट, लेट मी जस्ट एंड दिस वीडियो, विल बी बैक विद अनदर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो, सो टिल देन दिस इज अमन शर्मा साइनिंग ऑफ।